हेलो गाइस वेलकम बैक। तो दोस्तों फाइनली रियलमी एक्स टी, रियलमी एक्स एंड रियलमी 3 एंड 3i डिवाइस में मई 2021 मंथ का एक न्यू फ्रेशर लेटेस्ट अपडेट रियलमी ने दोस्तों ऑफिशियली रोल आउट कर दिया है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे इस न्यू अपडेट के साथ इन सभी डिवाइसेस में कौन कौन सा वर्जन और साइज मिल जाता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से चेंजेस एंड फीचर्स का सपोर्ट ऑफिशियली मिल चुका है। तो गाइज वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा वॉच करो, न्यू अपडेट की रिगार्डिंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको सबसे पहले जो ऑफिशियल लिंक है वो मिल जाएगा, जाओ और ज्वाइन कर लो। रियलमी के सभी लेटेस्ट न्यू अपडेट्स के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो दोस्तों मैं आपको यहां पर भी प्रोवाइड करते रहूंगा। और दोस्तों सबसे पहले बात करें Realme X डिवाइस की तो बता दूं न्यू अपडेट के साथ ना ऑफिशियल वर्जन इस बार C.11 का मिल जाता है। और बात करें दोस्तों ऑफिशियल फीचर के बारे में तो यार वो भी आपके डिवाइस के स्क्रीन के सामने अवेलेबल है, जहां पर भैया सबसे पहले सिक्योरिटी सेक्शन में अप्रैल एंड मई 2021 का कंबाइंड लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और बाद में दोस्तों यहां पर ना सेटिंग्स वाले सेक्शन में दो टाइप का जो इश्यू है वो सॉल्व किया है। एंड लास्ट में दोस्तों सिस्टम वाली सेक्शन में सिस्टम का परफॉर्मेंस और जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो दोस्तों इंप्रूव कर दिया है। तो गाइज फीचर लॉक के अकॉर्डिंग ना ये वाला जो अपडेट है ना वो एक बग फिक्स अपडेट है, जहां पर भैया आपके डिवाइस में लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल का सपोर्ट मिल जाता है और जो भी थोड़ा बहुत इशू था, प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया है। और लास्ट एंड फाइनल में जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो दोस्तों इंप्रूव कर दिया है, बस इतना ही दोस्तों मिल जाता है। और बात करें दोस्तों Realme XT डिवाइस की ना तो न्यू अपडेट के साथ ऑफिशियल वर्जन दोस्तों C.13 का मिल जाता है। और बात करें दोस्तों कौन कौन से चेंजेस एंड फीचर्स का सपोर्ट इस न्यू अपडेट के साथ मिल जाता है इन XT डिवाइस में ना, तो वो भी दोस्तों मैं आपको वन बाय वन बता देता हूं। जहां पर भैया सिक्योरिटी सेक्शन में सबसे पहले अप्रैल एंड मई 2021 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल का जो सपोर्ट है वो कंबाइंड देखने को मिल जाता है। और बाद में दोस्तों डिवाइस के सेटिंग्स वाले सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम देखने को मिल जा रहा था लास्ट अपडेट में वो दोस्तों इस अपडेट के साथ प्रॉपरली सॉल्व हो चुका है। और बाद में दोस्तों लास्ट एंड फाइनल में डिवाइस के सिस्टम वाली सेक्शन में सिस्टम का परफॉर्मेंस और जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो दोस्तों इंप्रूव कर दिया है। तो अगेन दोस्तों फीचर लॉक के अकॉर्डिंग ये वाला जो अपडेट है ना वो एक बग फिक्स अपडेट है, जहां पर भैया वही सेम टू सेम चीजें देखने को मिल जाती है जो एक बग फिक्स अपडेट में ऑफिशियली मेंशन होती है। और दोस्तों Realme XT एंड Realme X डिवाइस में जो इस मंथ का न्यू फ्रेशर लेटेस्ट अपडेट ऑफिशियली रोल आउट चालू हो चुका है वो दोस्तों आपको डेफिनेटली आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आपके डिवाइस में ये वाला अपडेट मिल जाता है वैसे ही दोस्तों आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, बिकॉज दोस्तों इसी अपडेट के बाद आपके डिवाइस में UI 2.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 का जो ट्रायल अपडेट है वो दोस्तों देखने को मिलने वाला है। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और रही बात दोस्तों Realme 3 Pro एंड Realme 5 Pro डिवाइस की ना, तो यार देखो आप लोग ना थोड़ा सा वेट करो, जल्द ही आपके डिवाइस में भी जो इस मंथ का न्यू अपडेट है वो दोस्तों ऑफिशियली मिलने वाला है। आई मीन दोस्तों यहां पर ना आपको ऑलरेडी पता है 3 Pro, 5 Pro, XT एंड X डिवाइस में जब भी न्यू अपडेट मिलता है सेम टाइम पे सेम टू सेम अपडेट मिलता है। ऑलरेडी XT एंड X डिवाइस में जो इस मंथ का लेटेस्ट अपडेट है वो मिल चुका है, तो ऑब्वियसली दोस्तों 3 Pro एंड 5 Pro डिवाइस में अपकमिंग 1 या फिर 2 डेज में यही सेम टू सेम अपडेट ऑफिशियली देखने को मिलने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा और वेट करो। ओके, और दोस्तों Realme 3 एंड 3i डिवाइस में मई 2021 के न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ ना ऑफिशियल वर्जन दोस्तों C.21 का मिल जाता है। और इस अपडेट के साथ दोस्तों जो फीचर लोग मिला है ना वो एकदम बेसिक टाइप का देखने को मिल जाता है, जहां पर भैया सिक्योरिटी सेक्शन में अप्रैल एंड मई 2021 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल कंबाइंड देखने को मिला है। और बाद में दोस्तों सिस्टम में सिस्टम परफॉर्मेंस और सिस्टम स्टेबिलिटी ऑप्टिमाइज और इंप्रूव कर दिया है। तो दोस्तों Realme 3 एंड 3i डिवाइस में जो ये वाला अपडेट मिला है ना वो एकदम बेसिक टाइप, मतलब दोस्तों नाम का अपडेट है यार, काम का अपडेट तो मुझे लगा नहीं है। मतलब क्या मिल जाता है, बस सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है और जो सिस्टम में ऑप्टिमाइज और इंप्रूवमेंट कर दिया है।
बस इतना ही मिल जाता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। बट एनीवेज दोस्तों, यहां पर आपके डिवाइस में ये वाला अपडेट मिलने के बाद डेफिनेटली आपको डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। आपके डिवाइस में जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल का सपोर्ट मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ऑलवेज बी स्माइल।